पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करेंगे। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले मेटो मेटो जी संकट हमारा। निशदिन तुम को भजूं पर से नेह तजूं जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, सबसे नेह तोड़ा जग से मुखड़ा मोड़ा संयम धारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धरणेन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए, आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा सेवक थारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जन्म मरण होवे ऐसा यतन तारण हारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नमाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। निशदिन तुम को भजूं पर से नेह तजूं जीवन
सारा तेरे चरणों में बीत हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जीन सु पायो भान ने ज्ञान ने त्रेदाता। वंदन श्री मार्ग दाता प्रभु जी, मोक्ष मार्ग दाता। जिनवर मारा वीतराग, सिद्ध शिला पेवास, अरिहंत विचरे विदे हमें, किम कर आऊं पा किम कर आऊं पास। जिन देखो म्हारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, जिन देखो म्हारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, मैं इन चक्कर सूं की कर जागूं सामे, इन चक्कर सूं की कर जागूं सा। जिन देखो म्हारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, प्रभु देखो म्हारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, मैं इन चक्कर सूं की कर जागूं सामे, इन चक्कर सूं की कर जागूं सा। ये तो मनड़ो म्हारो चेतन ने मालिक कोणी माने सा, ये तो मनड़ो म्हारो चेतन ने मालिक कोणी माने सा, मैं इन फीकर सूं की कर जागूं सा, मैं इन फीकर सूं की कर जागूं सा। बुद्धि ने इंद्रिया जागे न फिर सोवे है, बुद्धि ने इंद्रिया जागे न फिर सोवे है, इन भव चक्कर सूं की कर जागूं सा, इन भव चक्कर सूं की कर जागूं सा। जिन देखो म्हारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, जिन देखो म्हारी
दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, मैं इन फिकर सूं कि कर जागूं सामे, इन फिकर सूं कि कर जागूं सा। जिनवर जी महारा समकित बिरारी ओड़ू आवे सा, जिनवर जी महारा समकित बिरारी ओड़ू आवे सा, जिनवर जी महारा समकित बीराण लेवण भेजो सा, जिनवर जी महारा समकित बीराण लेवण भेजो सा। सासरी था कि पीहर आऊं सा, सासरी था कि पीहर आऊं सा। जिन देखो मारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, प्रभु देखो मारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, मैं इन चक्कर सूं कि कर जागूं सा, मैं इन चक्कर सूं कि कर जागूं सा। जिनवर जी महारा मधुरा मीठाण मन ने मोवता, जिनवर जी महारा मधुरा मीठाण मन ने मोवता, मैं जागूं जागूं अंतर सूं जागूं सा, मैं जागूं जागूं अंतर सूं जागूं सा। जिन देखो मारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, प्रभु देखो मारी दिन दिन बेड़ा चाली जावे है, मैं इन चक्कर सूं इन भव चक्कर सूं कि कर जागूं सा, मैं इन फिकर सूं कि कर जागूं सा। जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतरयामी घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी के, जय बोलो स्वामी। मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही कि आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है, थोड़ा क्लियर हो जाए तो अच्छा लगेगा। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम। ये आवाज पहले भी आ सकती थी, ये ताकत आप में पहले भी थी, ऐसा पहले भी बोल सकते थे, लेकिन धक्का लगने के बाद बोलने की अपनी पुरानी आदत हो गई। जब तक बिना करे काम चल सकता है अपन चलने देते हैं, जब ऑप्शन नहीं बचता है तब एक्शन लेते हैं। और ऑप्शन नहीं होने पर जब एक्शन लेते हैं तो मजा नहीं आता है। ऑप्शन रहते हुए जो एक्शन लेता है वही रूप रजत विहार खड़ा कर सकता है।
ऑप्शन रहते हुए भी जो डिवोशन कर सकता है वही मंजिल पर पहुंच सकता है। ऑप्शन नहीं रहे, नारकी के जीवों को कोई ऑप्शन नहीं है, उपास चालू है पर उसको तपस्या नहीं कहते हैं। आपके पास मेरे पास ऑप्शन है, खाने का और नहीं खाने का, और खाने का ऑप्शन होते हुए भी जो उपास कर सकता है वही मोक्ष मार्ग में आ सकता है। तो आपसे ऑप्शन छीने जाए कि आपको ऑप्शन दिए जाए, आपसे ऑप्शन छीनने के बाद आप काम करोगे कि ऑप्शन के रहते हुए आप काम करोगे? बहुत मुश्किल काम रहा है, बहुत मुश्किल है। आदमी का जो मन है उसको ऑप्शन मिला कि भाग जाता है। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक बाउंड्री बनाई, रावण अंदर नहीं आ सकता था, रावण को अंदर आने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन सीता को बाहर जाने का ऑप्शन था। काश लक्ष्मण ने दोनों तरफ से दरवाजे बंद करे होते, कोई आ भी नहीं सकता है और कोई, तो सीता बाहर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही बाहर जाने का ऑप्शन खुला रह गया, सीता बाहर चले गई। तो ऑप्शन मिलने के बाद जो सही ऑप्शन चुनते हैं वे राम बनते हैं, और जो रॉन्ग ऑप्शन चुनते हैं वो कैकेयी बनती है। राज्याभिषेक के समय में वनवास जाने का ऑप्शन आया, राम ने स्वीकार कर लिया। दशरथ ने ऑप्शन दिए थे, जो तू मांगेगी मिल जाएगा। उसने ऐसा कुछ मांग लिया कि मांगने पर जिंदगी भर पछताना पड़ा। मैं आपसे निरंतर बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बात करें। मांगा हुआ मिल जाए तो खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? जल्दी से जवाब चाहिए। मांगा हुआ मिल जाए खुश होना चाहिए, लेकिन मांगने की अक्ल जिसको होती है वही मिलने के बाद खुश हो सकता है। और क्या मांगना, इसकी अक्ल जिसको नहीं होती है वो मांगने के बाद मिल भी जाए तो जिंदगी भर रोता ही रहता है। कैकेयी ने जो मांगा वो मिला, लेकिन कैकेयी खुश है? आपका क्या हलवाल है? आप जो मांगते हैं वो आपको मिलता है नहीं मिलता है? मैंने तो सोचा कि जोधपुर वाले, पाली वाले, मारवाड़ वाले, नेमेचंद जी ने सबको ट्रेनिंग दे रखी कि पटापट सवालों के जवाब देने में मास्टर है सारे। आप जो मांगते हैं वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलने के बाद आप खुश हुए कि रो रहे हो? दोनों अलग अलग हो रहे हैं, अलविदा। जो आपने मांगा वो आपको मिला नहीं मिला? मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। बराबर है बाप जी, कई लोगों थे देखो देखो। जिसने मांगने के पहले समय मांग लिया,
जिसने मांगने के पहले समय मांग लिया वो समझदार निकला, जिसने मांगने के पहले समय नहीं मांगा वो कई कई जैसा रोता ही रह गया है। कपिल गुनहगार के रूप में राजा के दरबार में है, गुनहगार के रूप में राजा के दरबार में है, लेकिन इनोसेंट है। ध्यान में रखना कुछ पंक्तियों को, सोई उज्जूय भूय स धम्मो शुद्ध स चिट्ठी। गलती करने के बाद भी जो इनोसेंट रह जाता है उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, गिफ्ट मिलती है। निमिचन सा, गलती करने के बाद भी जो इनोसेंट रह जाता है उसको गलती की सजा नहीं मिलती है, पुरस्कार मिलता है। कपिल राज दरबार में गुनहगार के रूप में है लेकिन इनोसेंट है। टोटली सारी अपनी राम कहानी सुना देता है राजा को कि ये ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा चला था, माँ की इच्छा पूरी करने के लिए चला था। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए चला था तो विद्या मिली, और कामिनी की इच्छा पूरी करने के लिए चला तो जेल मिली। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए चला तो विद्या मिली, और कामिनी की इच्छा पूरी करने के लिए चला तो जेल मिली। राजा ने सुना और कहा कोई बात नहीं, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। और कपिल ने सोचा कि बिना सोचे मैंने जिंदगी में डिसीजन लिए, आज तक के सारे निर्णय मैंने बिना सोचे लिए, जैसा परिस्थिति का दबाव आया मैं ढलता ही चला गया, अब परिस्थिति के दबाव में नहीं आऊंगा। आज की सबसे बड़ी समस्या कोई है, पीर प्रेशर, आपके युवा आपकी नेक्स्ट जनरेशन संभलना चाहे तो भी संभल नहीं पाती है, क्योंकि बाहर का प्रेशर इतना है, नहीं करे तो लोग कहते हैं ये बाबा आदम के जमाने में रहता है। टीन एज का क्लास चल रहा था, ऑनलाइन क्लास था, एक बेटी ने सवाल पूछा और सवाल सुनकर के चक्कर आने बाकी रह गए। बेटी ने सवाल पूछा कि महाराज साहब दोस्तों से मिलती हूं और मिलने के बाद अगली तमन्ना होती है, मैंने कहा क्या मिलने मिलती कैसी है? बोले हाय हेलो करते हैं, किस करते हैं, हक करते हैं, और किस और हक करते हैं तो आगे बढ़ने की इच्छा होती है। मैंने बेटी को जवाब दिया तू हक करना बंद कर दे, तू किस करना बंद कर दे। उसने जवाब दिया बोले महाराज साहब यदि मैंने हक और किस बंद कर दिया तो सब मुझे अक्का भाई कहेंगे। ये पीर प्रेशर इतना भयानक पीर प्रेशर है, उस पीर प्रेशर से जो बच गया वो कपिल बन गया। कपिल ने पहली बार सोचा कि ऑफर सामने से आई है लेकिन ऑफर को रिप्लाई देने के पहले मैंने सोचना है, बिना सोचे मैं रिप्लाई, बस इतना सा नेम आप ले लीजिए, इतना सा नेम ले लीजिए, रिस्पॉन्स देने के पहले रिप्लाई देने के पहले सोच करके रिप्लाई देंगे, बिना सोचे रिप्लाई। और कपिल ने सोचने के लिए समय मांग लिया, सामने से सवाल आया जवाब चला गया, झगड़ा शुरू हो गया, और सवाल के बाद जवाब देने के लिए समय मांग लिया तो समाधान मिल जाता है। लेकिन समय इतना ही मांगना कि बात बिगड़ न जाए,
नहीं तो मारा साहब थे ज कियो जरा जवाब देवाने टाइम मांग लेवनो। अब जवाब देवाने टाइम मांग लेवनो मतलब पूरो टाइम मांग लेवनो कहीं। टाइम कितना मांगना उसका भी विवेक है। और कपिल ने सोचने के लिए टाइम मांग लिया और सोचने की बारी इतनी आगे बढ़ी कि जो गया था गुनाह करने के लिए, जो पहुंचा था भिखारी बनकर के मांगने के लिए, जिसने सोचने के लिए समय मांग लिया वो भिखारी से भगवान हो गया। कुछ नहीं किया उसने, केवल मांगने के पहले सोचना शुरू किया क्या मांगू। और मांगने के पहले जिसने सोचना शुरू कर दिया वो कपिल स्वयं भी भगवान हो गया। और अपने पिछले जन्म के जो डाकू बने हुए थे उनको भी भगवान बनाने में समर्थ हो गया। इतना सा है सूत्र। चाहे आपका संघ हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति हो, आज सुनने के बाद बोलने की आदत इतनी बुरी लग गई है कि सुनना और समझने का जो बीच में ब्रेक आता था वो गायब हो गया है। यदि सुनने के बाद समझ करके जवाब देते हैं, यदि सुनने के बाद थोड़ा विवेक का उपयोग करके जवाब देते हैं, तो ये आज की स्थिति कभी नहीं होती। प्रेशर तो आता ही है, प्रेशर नहीं आएगा ये सोचना ही मत। और जिस महापुरुष के नाम पर ये विहार बना हुआ है वो महापुरुष कभी प्रेशर के दबाव में नहीं आया, वो कभी प्रेशराइज हुआ नहीं, किसी दबाव के सामने कभी वो झुके नहीं। तुम रूपचंद जी महाराज साहब से झुककर तो सब कुछ पा सकते थे लेकिन अड़कर के कुछ भी नहीं पा सकते थे, वो कला थी। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको ऑप्शन दूं या नहीं दूं? जिसके पास विवेक होता है उसको ऑप्शन देना चाहिए, जिसके पास विवेक नहीं होता है उसको ऑप्शन नहीं देना चाहिए। जिसके पास विवेक है, कॉमन सेंस है, वो ऑप्शन का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। और जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो ऑप्शन का दुरुपयोग करे बिना कभी नहीं रहेगा। अंतर इतना सा है। और हर ऑप्शन में, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी होती है, हर मजबूरी में डायमंड छिपा हुआ होता है। बिना प्रेशर के डायमंड बनता ही नहीं है। जो प्रेशर को झेल जाए वो डायमंड बनता है, और जो प्रेशर को झेल नहीं पाया वो कोयला हो जाता है। बोलिए, प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं चल सा सगा, चुप क्यों बैठे? हाँ, शांति रख ना। प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए, है ना? प्रेशर होना चाहिए। एक प्रेशर कुत्ते का होता है और एक प्रेशर गुरु का होता है। आप पर कौन सा प्रेशर लागू होता है? कोई कुत्ता पीछे लगा मोच आए हुए पांव में भी दौड़ने की ताकत आ जाती है, और गुरु के प्रेशर से जो आगे बढ़ता है वो गुरु के चरणों में पहुंचता है। प्रेशर तो है, कौन सा प्रेशर?
एक श्रद्धा का प्रेशर होता है, एक मोह का प्रेशर होता है, एक कर्तव्य का प्रेशर होता है, एक वासना का प्रेशर होता है, एक समर्पण का प्रेशर होता है, एक अहंकार का प्रेशर होता है। प्रेशर तो होता ही होता है, मैं कौन से प्रेशर को रिस्पांस देता हूं उसी पर से तय होता है कि मैं क्या बनूंगा। इसलिए परमात्मा के शासन में धर्म की बहुत सिंपल डेफिनेशन दी गई, वो डेफिनेशन आप भुला गए इसलिए युवक लोग धर्म में नहीं आते हैं। परमात्मा ने धर्म की सिंपल डेफिनेशन दी, कॉमन सेंस इज रिलीजियस। कॉमन सेंस है तो धर्म है। विवेक, विवेके धम्म माहिये, परमात्मा ने विवेक में धर्म कहा और वह हम भूल गए, हमने परंपरा में धर्म मानना शुरू कर दिया है, हमने रूढ़ी में धर्म मानना शुरू कर दिया है। जिस बात में कोई दम नहीं है उसको भी हमने धर्म मानना शुरू कर दिया, इसलिए युवा लोग दूर चले गए। यदि आप उनको कहोगे कि कॉमन सेंस इज रिलीजियस, आपके पास कॉमन सेंस है तो धर्म है। कॉमन सेंस चाहिए, विवेक चाहिए, और मुझे पता है आपको भी पता है, जैनी उपास कर सकते हैं, जैनी तपस्या कर सकते हैं, जैनी दया कर सकते हैं, जैनी सामाय कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए जब जाएंगे तो कॉमन सेंस नहीं रखेंगे। उपास चलेगा लेकिन उनोदरी नहीं कर पाएंगे। उनोदरी नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम झूठा नहीं छोड़े तो भी बहुत हो जाता है। उसके लिए किसकी आवश्यकता है? कॉमन सेंस की आवश्यकता है। सोलापुर में थे, महाराष्ट्र में गुरुदेव के सानिध्य में आरएसएस का शिविर हो रहा था, रात्रि का समय था, 500 से हजार लोग बैठे हुए थे। मैं किसी काम से बाहर गया और मैंने देखा सबके जूते लाइन में छूटे हुए हैं। क्या जूते? सबके बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। मैंने गुरुदेव से आकर के कहा कि गुरुदेव इनके जूते भी लाइन में है और हमारी सभा में आने वाले लोग भी लाइन में नहीं बैठते हैं। आवश्यकता किसकी है? कॉमन सेंस की। और ये कॉमन सेंस आ जाए मजा आ जाए। और कपिल ने समय मांग लिया, वो भगवान हो गया। कैकेयी ने बेसमय में मांग लिया, जिंदगी भर का कलंक लग गया। बेसमय मांग लिया, बिना समझे मांग लिया। छोटी छोटी बात कर रहा हूं मैं, बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत छोटा आदमी हूं। जोधपुर में मेरा तीसरा चौमासा है, पाली भी मैं तीसरी बार आ रहा हूं। जब भी जोधपुर गया हूं नंदी को मिलकर के ही गया हूं। पहली बार जोधपुर आए तब भी, दूसरी बार जोधपुर गए तब भी, पाली को तो टच किए बिना जोधपुर जाने का रास्ता है लेकिन हमने लिया नहीं है। और इस बार तो लेने का कारण भी नहीं था कि पाली वाले रमेश जी बोरा बिल्कुल देवन से लगे थे कि पाली पाली के। और पूरे रास्ते में एक आपके राजस्थान में इतिहास हुआ है कि किसी संत के साथ तीन श्रावक कोटा से लेकर पाली तक पैदल चलते हैं।
नहीं तो इन गांव से उन गांव ने पुगावनो भारी जावे। अभी अभी आपके यहाँ पर कुछ दिन पहले मोगड़ा में एक्सीडेंट में दो संत चले गए। वो एक्सीडेंट में गए कि संघ की उपेक्षा में गए? यदि उनके साथ ऐसे तीन जने साथ में होते तो हा? ये मारवाड़ की धरती है और कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से विहार में कोई सेवा कर सकता है। और पैदल चले नेमिचंद जी साथ में। मैं फिर एक बार जिक्र करता हूं कि कुछ सुविधाएं हमको मिली, वो सुविधाएं इनको नहीं मिली। कई जगह पर मच्छर होते थे, हम मच्छरदानी में सोते थे, ये बिना मच्छरदानी के सोते थे। इनके पास ऑप्शन था कि काशिया पहुंचते, अगले गांव पहुंचते, लोगों ने विनंती करी थी कि आप वहां पधार जाओ, सुबह वापस आ जाना। बोले नहीं, मारे अनिल जी का एक ही जवाब था कि हम तो गुरुदेव की सेवा में है, जहां गुरुदेव वही हमारा बसेरा है। ऑप्शन थे, ऑप्शन चुनना कौन सा, इस पर से तय होता है कि तुम धर्मी हो कि संसारी हो। और ऑप्शन आदमी चुनते समय हमेशा सुख का चुनता है, सुविधा का चुनता है, कष्ट का ऑप्शन नहीं चुनता है। और परमात्मा कहते जो कष्ट का ऑप्शन चुनता है वही डायमंड बनता है। जिसने लग्जरी का ऑप्शन चुना वो डायमंड नहीं बनता है। ऑप्शन खोजना नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन खोजना है, किसको स्वीकार करना है, ये तय करना होता है। बहुत खुशी, लंबा समय लूंगा नहीं, है ना। निमिचंद जी ने कहा है कि ये मारवाड़ है, यहाँ तो साढ़े नौ को होंगे तो 10:30 को लोग पहुँचेंगे। लेट आते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन क्या करूं कि मुझे आदत है बिफोर आने की बिफोर जाने की। मेरी आदत दूसरी है, मैं समय के पहले पहुंचता हूं, समय के आगे तो पहुंचने का मेरा कोई सूत्र ही नहीं रहता है। हमने कहा था 7:30 बजे पहुंचेंगे, तय था कि इस तारीख को पहुंचना है, पहुंच गए। और आपसे भी आग्रह करता हूं, जिन शासन को जयवंत बनाना हो तो सबसे पहले समय की कीमत करना सीखो। किसकी कीमत? समय की कीमत, समय की पाबंदी। समय की पाबंदी के साथ चलोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, और समय की पाबंदी नहीं निभाई तो कोई साथ में चलने वाला नहीं है। इसलिए समय की पाबंदी के साथ चलना है। बंधुओं, मैंने यहाँ आने के बाद नेमिचंद जी के कान में जो शब्द कहे वो आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ। गुरु समर्थ हो और शिष्य कमजोर हो तो भी काम नहीं चलता है। शिष्य समर्थ हो और गुरु कमजोर हो तब भी काम नहीं चलता है। गुरु भी समर्थ हो, शिष्य भी समर्थ हो, तब रूप रजत विहार खड़ा होता है। ये बिना सामर्थ्य के होता नहीं है। छोटे संत को जानकारी दी कि 13 महीने में बिल्डिंग खड़ी करी,
बोले 13 महीने में। कोरोना काल में, वो भी कोरोना काल में। मेरी बहुत एक प्रिय कहानी है, बहुत प्रिय कहानी है, जिसको मैं जीने का प्रयास करता हूँ। कितना जी पाता हूँ ये तो मेरे गुरु और भगवान जाने हैं, लेकिन जीने का प्रयास करता हूँ। कहानी है राम लक्ष्मण सीता विभीषण और हनुमान लंका विजय कर करके अयोध्या लौट रहे थे, और लौटते हुए राम जी सीता मैया को नीचे की जानकारी दे रहे थे कि मैंने तुझे यहाँ खोजा, मुझे यहाँ हनुमान जी मिले, यहाँ अंगद का हुआ। ये सारी जानकारी देते 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 पुष्प विमान अंजन गिरी के ऊपर से जाने लगा, और राम जी ने कहा यहाँ हनुमान जी की माँ रहती है, अंजन गिरी पर हनुमान जी की। तो सीता मैया ने कहा मुझे उस माँ के दर्शन करने हैं, जिस माँ ने ऐसा लाल जाया कि लंका में आकर के मेरे प्रभु का संदेशा मुझे दिया। राम ने कहा कि मुझे भी दर्शन करने हैं कि जिस माँ ने ऐसा लाल जाया कि मैं जिंदा रह गया। लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी दर्शन करना चाहता हूं कि जिसके कारण से मुझे संजीवनी वोटी मिली और मैं जिंदा रह गया। पुष्प की मां नीचे उतरा, राम लक्ष्मण सीता हनुमान विभीषण को आता हुआ देख करके अंजना आगे आई, स्वागत किया, और स्वागत करके के सीता मैया ने कहा कि मां धन्य है तू, तूने ऐसे लाल को जाया कि जो रावण की लंका में आकर के मुझे राम का संदेश दिया, धन्य है तू। बोले राम जी ने आगे बढ़कर के अंजना को कहा कि मां सच में तू धन्य है, तूने ऐसे लाल को जन्म दिया कि तेरे लाल के कारण से मैं जिंदा हूं। अंजना को बात जची नहीं कि राम जी ये कहे, और मैया ने राम जी से कहा कि राम जी आपके कारण से सब है, हमारे कारण से आप नहीं हो। बोले नहीं, युद्ध चल रहा था और युद्ध में इंद्रजीत की शक्ति लक्ष्मण को लगी, लक्ष्मण की मौत पास में थी, उस समय तेरा बेटा द्रोणगिरी पर से संजीवनी लेकर के आया, उस संजीवनी के कारण से लक्ष्मण जिंदा रहा, और लक्ष्मण जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूं। आपको पता होगा कि बलदेव और वासुदेव, बलदेव और वासुदेव ये ऐसे भाई होते हैं कि जो एक दूसरे के बिना जीना मंजूर नहीं करते, मंजूर नहीं करते। कभी मौका मिला तो बताऊंगा आपको कि कैसा प्यार होता है बलदेव और वासुदेव का। नरक में से बाहर लाने का प्रयास बलदेव करते हैं, ला नहीं पाते, पर ये भाई का प्यार। और जैसे सीता मैया ने बात सुनी, सॉरी अंजना ने ये बात सुनी, अंजना आगे बढ़ी, हनुमान हाथ जोड़ करके खड़ा था, अंजना आगे बढ़ी और जोर से थप्पड़ हनुमान को मारी, सन्नाटा छा गया कि हम सब बधाई दे रहे हैं, हम सब गीत गा रहे हैं, उस बेटे की बलैया लेनी चाहिए थी और अंजना ने थप्पड़ मारी।
लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण ने कहा कि कैसी तू मां है जिस बेटे के कारण से राम जी तेरे गीत गा रहे हैं, जिस बेटे के कारण से मैया तेरे गीत गा रहे हैं, और तू उस बेटे को थप्पड़ मारती है। मां ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण चुप रह जा, जिस भक्त के रहते हुए भगवान को युद्ध लड़ना पड़े उसको मैं भक्त नहीं कहती हूं, ये राम का भगत है और इसके रीते राम को युद्ध लड़ना पड़ा, मैंने उसको वो दूध पिलाया है। और कहते के धार निकली और चट्टान टूट गई। शिष्य वो नहीं होता जिसके रहते गुरु को काम करना पड़े, भक्त वो नहीं होता जिसके रहते भगवान को काम करना पड़े, बेटा वो नहीं होता जिसके रहते बाप को काम करना पड़े, बहू वो नहीं होती जिसके रहते हुए सास को काम करना पड़े। यह है भक्ति की परिभाषा। और इसलिए राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर थोर थोर है। चाहे आपके यहां मंदिर आदिनाथ का रहने दीजिए, शांतिनाथ का रहने दीजिए, किसी का मंदिर रहने दीजिए, कोई दीक्षा का कार्यक्रम रहने दीजिए, जन्मदिन का रहने दीजिए, प्रवेश का रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, प्रसाद न महावीर का बनता है, प्रसाद न शांतिनाथ का बनता है, प्रसाद न आदिनाथ का बनता है, प्रसाद तो केवल गौतम स्वामी का ही होता है। कारण कारण भक्ति, भक्ति और भक्ति चाहिए गौतम स्वामी जैसी, भक्ति चाहिए हनुमान जैसी कि गुरु के सपनों को सच कर दे तो शिष्य है, बाप के सपने को सच कर दे तो बेटा है, और भगवान के वचन को पूरा कर दे तो भक्त है। इसलिए रूप रजत विहार प्रमाण है, ये भक्ति का प्रमाण है। एक बात निमिचंद शास्त्र ने कही और बिल्कुल सही है, श्रमण संघ की सारी स्थितियों को देख करके दर्द उन्हीं को होगा जिनके गुरुओं ने इसका निर्माण किया है, इसके निर्माण करने के लिए जिन्होंने पसीना बहाया, दर्द तो होगा ही होगा, दर्द क्यों नहीं होगा। अपने बाप दादों की विरासत सुरक्षित नहीं रख पाए तो दर्द तो होना ही चाहिए और होगा, लेकिन दर्द में जीने वाले को मर्द नहीं कहते हैं, दर्द झेलने वाले को मर्द नहीं कहते हैं, दर्द का जो इलाज कर दे वही मर्द कहलाता है। झेलने वाले को मर्द नहीं कहते, जो दर्द का समाधान निकाले वो मर्द होता है। और उस बाबा के धरती पर पहुंच रहा हूं जो बाबा की जन्मभूमि है, पाली में जब पहुंच रहा हूं तो पाली श्रवण संघ के लिए अयोध्या से कम नहीं है, उस पाली में पहुंच रहा हूं जो श्रवण संघ के राम की जन्मभूमि है, उस पाली में। और कुछ बातें महसूस होती, मैं आज तक बोला नहीं हूं। जब पहली बार तय किया कि महाराष्ट्र के बाहर चतुर्मास करना है तो लोकमान्य संत प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब का बंबई पत्र पहुंचा कि गुरुदेव के परिवार के संतों का चौमासा महाराष्ट्र के बाहर होगा तो पहला चौमासा मारवाड़ और जोधपुर ही होगा। राज्य इधर बड़े हैं, दूसरा चौमासा भी हमारा कोई जोधपुर करने का मन नहीं था, वो तो सारी कहानी आपको पता ही है। लेकिन आज तीसरी बार जब पहुंचे हैं तो रूप रजत विहार तो है लेकिन बाबा नहीं है।
वो एक अलग एहसास होता है। तो आए हैं फिर एक बार आपके राजस्थान में, आखिरी बार, फिर एक बार, तीसरी बार, और तीसरी बार में तो बोली छूट जावे। एक बार, दो बार, तीसरी बार, तो तीसरी बार है और आखिरी बार है। ये हमारी सारी समेटने की यात्रा चल रही है। मद्रास से आया हूँ ये कहकर के आया हूँ कि वापस मद्रास नहीं आऊँगा। बेंगलोर से आया हूँ तो बेंगलोर कहकर के आया हूँ कि वापस बेंगलोर नहीं आऊँगा। पुनः चतुर्मास किया तो पुनः वालों को भी कहकर के आया कि वापस पुनः चतुर्मास नहीं करूँगा। आया हूँ, मेरे क्या सपने हैं वो सबको पता है, और मुझे खुशी इस बात की है मेरे सपनों को समझने वाले जवान मुझे मिल जाते हैं। जवानों की शिकायत आप लोगों को होगी, मुझे जवानों की शिकायत बिल्कुल नहीं है। मेरे पास तो सारी फौजी जवानों की है, मेरे पास कोई, और इसलिए मैं कहता हूँ जवान धर्म करने के लिए तैयार है, तुम उसको सही तरीके से बात कर पाओ तो। तुम ये कहो कि मेरी बोतल में उतर जाए तो आज का जवान किसी बोतल में उतरने के लिए तैयार नहीं है। वो सच को इनकार नहीं करता और किसी बोतल में बंद होने के लिए तैयार नहीं होता। बस इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है, बहुत सुकून लगा। सुनते बहुत थे लेकिन देखने के बाद पता चला कि क्या निर्माण हुआ है। मैंने तो नेमीचंद सा को याद दिलाई कि 2002 में पाली के रूप रजत की विहार की चर्चा सोजत में चली थी, मुझे वो याद था। वो चर्चा भी याद थी मुझे, वहां मीटिंग हुई थी वो भी याद है मुझे। लेकिन जितना सुना उससे बढ़िया, और जोधपुर की बात तो जोधपुर करूँगा, कल पाली पहुँच रहा हूँ और पाली में मेरी भावना है कि गौतम निधि का कार्यक्रम शुरू हो जाए, एक गौतम निधि की व्यवस्था बन जाए, सारा समाज एक धारा में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। अरे बहुत टूटे, बहुत टूटे, बहुत टूटे, अब कब तक टूटोंगे, अब जरा जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करो, है ना। और इसलिए आपके पाली में जैसा आपने कल कार्यक्रम बताया उसके अनुसार कल का व्याख्यान 8:15 से 9:15 रहेगा, और परसों से व्याख्यान 9:15 से 10:15 रहेगा। और आप देख लेना, हमारे पास पाली की बहुत सारी महावीर नगर की, मरधर केसरी विहस्थानक की, सब तरफ की विनंती आ रही है, हमने एक ही जवाब दिया है, वो संघ जाने और संघ का काम जाने। मैं चाहूँगा कि 3 तारीख को शाम को विहार करना है, उसके पहले जैसे जैसे आपको कार्यक्रम सेटिंग करनी है आप कर सकते हो। मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं आपके पास भेजूँगा, मैं कुछ नहीं जानता, है ना। 3 तारीख के शाम को हाउसिंग बोर्ड पहुंचने की भावना है, बाकी 3 तारीख तक आपके हाथ में है। जहां रखोगे वहां रहेंगे, जहां कहोगे वहां बोलेंगे, जो कहोगे वो करेंगे, बाकी आनंद मंगल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत भुजसी आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरधर के शिशि मिशीलाल जी महाराज साहब की, शेरे राजस्थान लोकमान्य संत प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की। अभी हमारे एक ही पाली के बहुत ही प्रसिद्ध गायककार है, गुरुदेव के परम भक्त श्री विनोद जी सालेचा, विनोद जी डी सालेचा एक भजन प्रस्तुत करेंगे।
श्री विनोदी सालेचा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अत्र विराजित गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु में संसार समाया, इनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा इनका है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु प्रवीण ऋषि जी है हम सबके तारणहार, सबकी जीवन नैया को देते हैं ये किनारे। अरे श्रमण संघ में इन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, आज आए पाली नगर में करते हम सब एक वादा, जो सीखेंगे उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। पाली नगरी के हर घर में खुशियों का समा है छाया, जोधपुर तो धन्य हुआ गुरु चौमासा है पाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है वाणी। ये पाली तो मेरा धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जय गुरुदेव।